just like a rock star. Get on the table, lick the point, don't give a damn. Do your girlfriend is. सुअर, अब तक फैला पड़ा है, एक काम कर ले, ये जो तेरी नौकरी है ये हम कर लेते हैं नौकर की और तू हमारा मालिक बन जा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाओ जूस लेके आओ मेरे लिए। भोसड़ी के, मैं और मेरी फैमिली एक सुबह से उठे पड़े नाश्ते के इंतजार में, कुछ आता पता है कौन बनाएगा नाश्ता? मालिक, इसमें मानने की बात क्या है यार, कोई ये बना लेगा नाश्ता, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रही बात मेरी, मैं खा लूंगा अंडे का आमलेट। आमलेट साले, नौकर है नौकर की औकात में रह ले, चल जाके नाश्ता बना। और सुन, आज तेरे लिए कुछ नहीं बनेगा, पूरी फैमिली के लिए बनेगा। मालिक हट। ओए रामू, आजा मार ले। मालिक सुबह ही सुबह ना। बेटे मारने का मजा तो सुबह ही सुबह है, आजा। ओए हट, क्या कर रहा है ये? तुम्हें तो कह रहे हैं मान ले मान ले। अबे साले पुशअप्स को कह रहा है, पुशअप्स लगा ले थोड़े से, बॉडी बना ले थोड़ी। ये ना करूँ, बॉडी छोटी हम क्या करेंगे बना के, नाश्ता बनाने आ रही हूँ। रामू मेरे लिए आलू के पराठे बना दिए जरा। पापा मेरे लिए ना सादा पराठा बनवा देना। मालिक इनसे कह दो यार ये अलग अलग ना बनवा, में टाइम भी लगेगा यार, इससे तो एक ही पराठा बना दूं दोनों के लिए, सबके लिए। जो कह रही है वो कर। और मेरे लिए गोभी का पराठा बना दिया रामू। अरे मालिक इन्होंने फिर बदल दिया यार, इन्होंने गोभी का कह दिया, कहाँ तक बनाऊ, थक जाऊंगा ऐसे तो अलग अलग बना के। अरे जो कह रही है वो बना। रामू मेरे लिए मूली का पराठा बनाना, मैं भी तो देखूंगा होता कैसा खाने में। मालकिन मैं कह रहा हूँ एक लंड पराठा भी आया, वो भी बना दूँ क्या? पराठा में भी आने लगा ना, ना रहने, तू मूली में बना दे मेरे लिए। रंचोत साली चूतियों की फैमिली। अरे भाई रामू, बड़ी मिर्चा कर दी पराठों में तूने। अरे मेरा फुसफुसा कहाँ है? अरे पापा तुमने यही तो रखा अभी। मम्मी अपनी साइड देख लो, कभी तुम्हारी साइड हो। अरे लल्ली जल्दी ढूंढ ले, तेरे बाप गया। अरे मालिक मेरी जिम में कैसे आ गया ये है, लो जल्दी सांस लो। बच गए मालिक, बच गए। लाओ मालिक, बाजार हुई हूँ, बाजार से सब्जियां भी तो आनी है, खत्म हुई पड़ी है। साले तेरे रंग देख रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा आगे हो रिया तू। ले पकड़ 500 रुपए सब्जी के, और ये ले 50-50 रुपए आने जाने के किराए के। भाई साहब बाजार को चल रहे हो क्या? हाँ चलेंगे। क्या पैसे लोगे भाई साहब? आगे बैठ के जाएगा तो 60 रुपए लगेंगे, क्योंकि आगे का सारा व्यू देखता हुआ जागा तू। ओहो हाथी के भोसड़े, नैनीताल में ऑटो चलागा क्या? अपने जो पहाड़ों का व्यू देखूंगा। देख ले, अगर बीच में बैठ के जागा तो 40 रुपए लगेंगे, और पीछे लटक के जागा तो 20 रुपए लगेंगे। अबे चल बे, लटक उटक के ना जाएंगे, जान का रिक्स है पूरा, मरमरा गए तो लालच क्यों करें पैसों का, बीच में बैठ के जाएंगे। अंदर बैठ के वो मजा नहीं आता, बात पैसे की नहीं है, लेकिन यार यहाँ पे मजा आ रहा है, वो खुला माहौल एकदम, और 60 रुपए का जो देखते हैं वहाँ बैठ के यहाँ फ्री में देख रहे हैं, कैसी रही? क्या बात है। अरे तुम यहाँ कैसे भाई? अब वो तू जरा मुझसे कम बोले कर, तू साले एक नौकर है और मैं तेरे मालिक का लौंडा हूँ। पर यार मालिक अपने पापा से कह के मेरी तनख्वाह तो दिलवा दो, एक जमाने से तनख्वाह ना दे रहे वो यार। अबे तू उनके चक्कर में मत पड़े कर यार, वो मुझे खुद ना देते हैं। अब तो मैं कैसे करूँ फिर, पैसे कहाँ से आएंगे मुझ पे यार, मेरे भी खर्चे हैं। तो तू भी मेरी तरह एक्स्ट्रा इनकम कमाना,
कैसे? तू फॉरेक्स ट्रेडिंग ट्राई क्यों नहीं करता? अरे मैं अच्छा नहीं हूँ इन्वेस्टिंग में, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करूं। देख मैं रिकमेंडेड करता हूं तुझे एक ऐप के बारे में, कॉपी ट्रेडिंग ऐप। ये ओक्टा एफएक्स के न्यू प्रिंसिपल स्पॉन्सर है दिल्ली कैपिटल्स के और द बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर इन इंडिया 2021 में। अच्छा ये काम कैसे करता है? इस प्लेटफॉर्म में एक लिस्ट है एक्सपीरियंस फॉरेक्स ट्रेडर की, जिनको मास्टर ट्रेडर भी बोला जाता है। अच्छा इस ऐप में तू चूज कर सकता है मास्टर ट्रेडर्स, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट, रेटिंग एंड रिस्क स्कोर को देखकर कॉपी बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से जो भी ट्रेडर्स मास्टर ट्रेड लेगा वो ट्रेडर तेरे अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जो मास्टर ट्रेडर अर्न करेगा वो तू भी अर्न करेगा, बस एक छोटे से कमीशन में। अच्छा पर तुझे पे तभी करना है जब तुझे प्रॉफिट होगा। अबे ये तो बहुत इजी लग रहा है, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि मास्टर ट्रेडर अच्छा ट्रेडर है? हर मास्टर ट्रेडर को रैंक किया गया है 1 to 6 रिस्क स्कोर में, उनका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और कितना प्रॉफिट स्टेबल है देख सकते हैं, फुली ट्रांसपेरेंसी है। अबे ये तो बढ़िया है यार, ये तो मैं जरूर ट्राई करूंगा। सेकंड इनकम किसको अच्छी नहीं लगती यार। सो गाइज अगर आपको भी अपना पैसा काम में लगाना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाओ, वहां मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव 50% का बोनस। ओक्टा एफएक्स बेस्ट है यार एक्स्ट्रा इनकम के लिए। मैं भी अभी डाउनलोड करता हूं यार डिस्क्रिप्शन में से। कर आओ बाजार को चल रहा हो क्या? मालिक ने सब्जी लेने भेजा। अरे ना मैं ना जा रही हूं, मैं घर जा रही हूं यार। चलो तुम जाओ। जी क्या लेना? भाई साहब 100 रुपए के आलू कर दो। लो जी और क्या चाहिए? 100 रुपए की प्याज। लो जी लो ये होगी तुम्हारी 100 रुपए की प्याज। और बताओ? और बस भाई साहब यही पैसे काट लो। दो टमाटर तो रखे हैं उनके भी काट लो क्या? हैं टमाटर मतलब थैले में क्या? मैं समझा ना। अरे कनपटे लाल कर दूंगा, एक साल से दुकानदारी करते आ रहा हूँ, चूतिया बना रहा हूँ ये। ना ना तो वापसी रख लो भाई साहब, मालिक मना कर रहे हैं टमाटर को, मैं भूल गया। ओफो भाई क्या चश्मे बेल्टों की दुकान है। हेलो मालिक, मैं कह रही था यार रास्ते में कुछ फकीरों ने घेर लिया मुझे, बुढ़िया बुढ़े हैं बेचारे, इन्हें कुछ पैसे दे देता हूँ मैं। अबे ना ये सब नाटक हो, घर को आ तू। अरे नहीं यार मालिक, बेचारे बुढ़िया बुढ़े हैं, गरीब है, दे देता हूँ। अबे ना। अरे मालिक यूँ कह रहे हैं यार, तेरा मालिक मरेगा बेमौत अगर तू पैसे नहीं देगा तो, सड़ेगा कीड़े पड़ेंगे साले में। 10-20 रुपए दे दे चला जा। ओहो पहले बताते, अब तो 100 रुपए ले लिए इन्होंने, चारों तरफ से घिरे पड़े हैं मुझे। चलो 100 रुपए दे दिए मैंने यार, चुप हो जाओ, अब छोड़ो, मैं थोड़ी खा रही हूँ, गरीबों को तो दे रही हूँ। डायरेक्ट इंग्लैंड से आ रहे हो क्या रामू भाई? चश्मा बेल्ट कहाँ से ले लिया? मेरे हैं, दुकान पे से खरीद के लाया हूँ। खरीदे? पैसे कहाँ से आ गए भाई? पैसे जुड़े हुए रखे हैं मेरे बहुत दिनों पहले के। जुड़े हुए? तुझे तो हमने कई महीनों से तनख्वाह ही ना दी, तूने कहाँ से जोड़ लिए? अरे वो मेरे दोस्त ने दिलवाए, भूल गया मैं। दोस्त ने दिलवाए। दोस्त ने? और बचे हुए पैसे तू फकीर को दिया? हाँ यार वो बहुत गरीब थे, बुढ़े बुढ़िया, तो मैंने सोचा दे दो भला हो जाएगा, तुम्हारा भी मेरा भी और क्या। चलिए जरा। काकू मालिक, जिस फकीर को तू पैसे देकर आया है उसके पास चल जरा। वो तो चला गया होगा मालिक। ना तू टेंशन मत ले, ढूंढने का काम मेरा, तू चल जरा। मालिक गलती हो गई, फकीर हो गई ना, ये तो मैंने ही चश्मे बेल्टों के चक्कर में आपसे ऐसा कह दी, गलती हो गई मालिक। मादर चोद, मैं भी तो सोचू तुझ फकीर से कौन फकीर पैसे मांगेगा, मालिक को चूतिया बना रिया। मालिक गलती हो गई। अरे बैनवी साहब, फूफा आ गए। बड़ा खुश है, गांड देगा क्या फूफा को? आओ आओ बैनवी साहब, बैठो बैठो। बैनोई साहब इतने दिनों में घर आए हो, गले भी नहीं मिलोगे हमसे? आइए बैठिए। रामो और बताओ बैनोई साहब कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, यहाँ से निकलते हुए जा रहे थे, सोचा साले साहब से मिलते हुए ही चले, वरना गिल्ले सिक्के हो जाते हैं ना।
आह लीजा क्या हुआ? कुछ नहीं, कॉकरोच है कॉकरोच। मालिक आप कहें तो इस कॉकरोच की यही मौत चोद दूं। ये तमीज सिखा रहे हो तुम अपने घर के नौकरों को? गाली बकरी है ये। अरे बहनोई साहब, कॉकरोच को ही तो गाली बक रहा है, आपको थोड़ी बक रहा है, छोड़ो। हाँ फिर भी मैं इस कॉकरोच के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। रामू तू आजकल बहुत बोल रहा है। अरे बहनोई साहब, हमें तो आपके बीच में बोलना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम आपके नीचे दबे पड़े हैं। हमारी बहन जो है आपके घर। रामू सॉरी बोलो बहनोई साहब से। सॉरी। इट्स ओके। जाओ नाश्ता लगाओ। अरे मालिक यार, दूसरे दिन तो ये यहाँ पे आ जा मैं, और मुझे पता किस लालच से आम है यहाँ पे, तुम बार बार इनका नाश्ता कराओ। रामू मैं जानता हूँ ये बहुत बड़े वाले जलील हैं, सुअर हैं, यहाँ तक कि बहुत बड़ी भोसड़ी के, लेकिन हम इनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि ये हमारे बहनोई साहब हैं, हमारी बहन है इनके घर पे, तो तुम जाओ और नाश्ता लगाओ। अरे यार मालिक, मुझे अच्छा नहीं लगता इनका बार बार का नाटक है नाश्ते पास्ते का। यार देख रामू, मैं जानता हूँ ये बहुत बड़े वाले जलील हैं। अबे ओए क्या बदतमीजी है, बार बार मेरे मुंह पे जलील कर रहे हो, दो मिनट में धक्का दे दूंगा तेरी बहन को मैं। तुम भी पागल हो कैसे, मेहमान की बेइज्जती करे आ रहे हो, और तू बहुत देर से बोले यार, जो जाके नाश्ता लगा। ठीक है, इस बार ऐसा नाश्ता लगाऊंगा कि अगली बार नाश्ता करने लायक ही ना बचोगे। क्या 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 गया ये, तुमने बहुत मुंह पे चढ़ा रखा है इस घर के नौकरों को। अरे कुछ नहीं कहा बहनोई साहब, बच्चे वाली बात है, छोड़ो। लो मालिक साहब ये आप खाओ, ये फूफा जी आप खाओ। एक काम करो साले साहब, ये वाली तुम खाओ और ये वाली हम खाते हैं। एक मिनट साले साहब, ये तुम खाओ और ये वाली हम खाओ। एक मिनट साले साहब, चेंज ही कर लो। साले साहब वो ही वाली दे दो मुझे। सुअर। अरे अरे बहनोई साहब, क्यों मार रहे हो इसे बेचारे को? मैं साला जहर मिला के लाया इसमें। अरे यार ऐसा कैसे हो जाएगा मालिक, देख रहो, खा के देख लो तुम। साले साहब तुम खा के दिखाइयो जरा। एक सेकंड इसमें और खा के देख लो। लो कुछ हुआ यार, खाली मुली में बातें कर रहे हो यार। नोटी नोटी मजाक कर यार साले। साला कुत्ता, दूसरे तीसरे दिन यही आ जाओ और हमें ही सुना बे। ऐसा भी ना है, चुप जाओ, कभी कभी तो हम है बेचारे। न चली तू यहाँ से? ए, मुझे लगा मालिक यार पता ना क्या हो गया, मैंने कुछ मिलाया थोड़ी है इसमें। आओ मालिक। मालिक एक बार यार वाला खेल खेलेंगे, जंगल को जाओगे? अबे जा चल, मेरा वैसे दिमाग खराब है। मालिक एक बार प्लीज, मालिक एक बार ना, एक बार ही यार, प्लीज प्लीज मेरे लिए एक बार मालिक। चल बता, जंगल को जाओगे? हाँ जाऊंगा। शेर पकड़ के लाओगे? ले आऊंगा। डरोगे तो ना? ना डरूंगा। डर गए साला नोला भाई ऐसे। यार मालिक उदास लग रहा हो तुम, क्या मामला बताओ हमें बताओ। अरे तेरी क्या औकात, तू तो खुद नौकर है। लेकिन फिर हाँ चलो छोड़ो, हम तो नौकर हैं, छोड़ो। एक मिनट रामू सुन, वैसे यार तू मेरी टेंशन दूर कर सकता। कौन सी टेंशन? यार रामू कल मैंने स्कूल में यार एक लोंडिया छेड़ दी, तो बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई। अब प्रिंसिपल कह रही है आजा साले अपने बाप को बुला के लेके आ। तो ठीक है मैं मालिक को भेज देता हूँ तुम्हारे स्कूल। अरे यार यही तो दिक्कत है, उन्हीं को तो ना लेके जा सकता, वरना वो स्कूल में ही मारेंगे मुझे बहुत। तू चल यार मेरे साथ स्कूल, मेरा बाप बन के। अरे नहीं यार, मैंने मालकिन को आज तक इस निगाह से नहीं देखा। वे नेवले साले, एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, बाप की एक्टिंग करनी है बस। एक्टिंग तो वैसे मैं बढ़िया कर लेता हूँ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ फोटो भी है मेरा, और बाहुबली देखी है तुमने? उसमें जो कटप्पा का सीन है ना, वो मेरा ही है। अरे साले उसमें तो कोई गंजा था ना? वो तो उन्होंने एडिटिंग से सिर काट दिया मेरा, उसका लगा दिया, बाकी तो मैं ही हूँ, शरीर मेरा ही है। अबे तू अपना शरीर देखिए जरा ना, पहले तो बढ़िया था, अब हो गया दुबला, मुट्ठी पेल लिया उन्होंने इन दिनों। हाँ चल जो भी है, तू बस मेरे साथ चल। अरे यार गड़बड़ हो गई तो पकड़े जाएंगे लकड़ी और फंस जाएगी। अबे यार क्यों होगी गड़बड़, तू तो बस ये कहती है बोले हाँ साहब हमारे लोंडे की गलती है, आज के बाद ना होगी। यार यार पार कुछ ना, तू चल बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप हैं इनके फादर? आपको पता है यहाँ क्यों बुलाया गया है? नहीं। आपका लड़का नंबर एक का हरामी है,
पढ़ने में तो ये जीरो है और नक्शेबाजी में हीरो है। और आपको पता है ये टीचरों के पीछे टीचरों को गाली देता है, उल्टा सीधा बोलता है उन्हें। साले नेवले, ये तमीज है तेरी? बेंचर टीचर मतलब एक तरीके से अधिकारी पुलिस वाले हो मैं ये भी साले। सुअर इन्हें जरा अदब दिया जाता, जानवर पुलिस है ये, इंस्पेक्टर साहब है अपने। सॉरी सर, मैं माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से। और तो और इसने 3 महीने से अपनी फीस जमा नहीं करी है। ना ना, इसमें इसकी कमी ना है, वो तो हमारी कमी रही है थोड़ी सी, जरा काम मद्दा चल लिया इन दिनों। और सबसे बड़ी बात, इसने हमारे स्कूल में लोंडिया छेड़ी है, आज तक हमारे स्कूल में ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरी बात, ये साला लड़कियों के टॉयलेट में नंबर लिखता है। चोर, कौन सा नंबर लिखता है जरा डायल कर इसे। ये क्या कर रहे हो आप? अरे देख तो लो, सही लिखता है गलत लिखता है यार, ऐसी कैसे हो जाएगा? अरे कैसे बाप हो आप इसके, लड़कियों के नंबर आपको मानना चाहिए इसे। अरे अरे इतना भी मत मारो यार, हमारे स्कूल पे पुलिस केस हो जाएगा। अरे नहीं यार, ये टीचरों का अदब नहीं करता, मतलब टीचर साले ये एक तरीके से तू इन्हें डीएम मान ले, अधिकारी है ये, बहुत बड़े पोस्ट पे है ये, तू इन्हें नाम कर। अरे अरे सर सर, रुक जाइए सर। तुम रुके रहो यार, अभी जानते ही नहीं टीचर क्या होता है एक तरीके से। सुअर टीचर मतलब दुनिया की पुलिस है, दुनिया की पुलिस से भी बड़ा टीचर होता है, जानवर तो इनकी इज्जत नहीं करता। अरे सर मैं तो मजाक कर रहा था, आपके लड़के की तो कोई गलती ना, मजाक कर रहा मैं, कोई गलती नहीं है आपके लड़के की, बहुत सीधा लड़का है आपका। साले बावला कौन है बहनचोद, इतनी देर से लोंडे को पिटवा दिया तूने, सीधा बता रही है तू, अब चल बेटे। कैसी रही एक्टिंग वाले? साले सुअर, इतना तो मेरा असली बाप भी ना मारता इतना तूने मारा। अरे यार फिर ओरिजिनल ना लगता ना यार, समझ करो। रामू गिर गया। तू तो गई। तेरी बहन की दियारी। कैसे खड़ा है, बैठ जा, कुर्सी लिया? मालिक बैठा ना जाएगा 2-3 दिन, बिल्कुल नाली पे पड़ी है गोली यार। देखो भाई पूरी फैमिली बैठी है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक कार ले लें। ये करा पापा तुमने काम बढ़िया, अब मुझे भी स्कूल जाने में आसानी हो जाएगी। सही कह रहे हो तुम मेरी जान, बेनोई जी के यहाँ पे जाए हुए बहुत बहुत दिन हो जाते हैं, अब रोज हो ही याद रहेंगे। हाँ पापा, मैं भी पार्लर कार से जाया करूंगी फिर। तो फिर बैग ना ले लेते हैं। नहीं मेरी जान, स्विफ्ट निकालते हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी है। नहीं यार मम्मी पापा, गाड़ी निकालो क्रेटा, शेर का बच्चा है। अब पापा तुम इन दोनों को छोड़ो, इग्निस गाड़ी लो, छोटी गाड़ी है लेडीज। चलो फिर लाओ 50-50 हजार रुपए डाल लो, बाकी की किस्तें मैं देता रहूंगा, 2-3 दिन में घर पे गाड़ी आ जाएगी। ए यार पापा, गाड़ी की तो जरूरत है घर में, और तुम तो हमारे बाप हो, हमसे ही पैसा मांग रहे हो। साले बापू तो क्या, सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा क्या? एक जमाने से तुम्हें इतनी सारी पॉकेट मनी देता आ रहा हूँ, तुमसे 50-50 हजार रुपए ना जुड़े, पैसे दोगे तो कार आएगी। पापा कोई खास जरूरत तो है ना घर में गाड़ी की वैसे, और मेरा मन तो है नहीं। हाँ मैं भी क्या करूंगी रोज रोज बहनोई के यहाँ जाके, वो तुम्हारे पीछे आ ही जाते हैं वैसे भी। हाँ पापा मैं भी क्या करूंगी पार्लर जाके। हाँ पापा तुम ले लो गाड़ी, हम तो चलाएंगे नहीं। भोसड़ी के अपना आपको चलाक समझ गया, मुझे चूतिया समझ गया। अगर गाड़ी आ गई ना तो सबसे पहले चाबी उठा के ये भागेगा, पैसे दोगे तो गाड़ी आगी। अरे इंजन मेलो में तुम ही पढ़ो, हम ना पढ़ रहे, हम ना पैसे डाल ले। आ लल्ली चल तू यहाँ से। देख रही रामू इनकी। मालिक मानना पड़ेगा, तुम्हारा परिवार नंबर एक का सुअर है। मतलब थोड़ा बहुत तो है यार मालिक, अब तुम मेरी राय मानो ना, तुम लो सेंट्रो कार और तुम्हारा भाई आगे बैठेगा, तुम गाड़ी चलाना, दोनों भाई मजे मारेंगे। बसड़ी के कार लूंगा तो तुझे बिठाऊंगा, है कैसा? मर्जी है तुम्हारी, देख लो। अच्छा चल पैक लगा यार, तीनों बैठ के पींगे।
उठ गए सबके सब, नवाबों की तरह फैले पड़े हो, और इस भाड़ू को भी अपने साथ सुला रखा नौकर को, झाड़ू मुझे खुद लगानी पड़ रही है। और तुझसे तो शादी करके पछता रही हूँ, सुअर मोटे कद्दू और एक ही है हमारा लड़ला, झाट बराबर हुआ ना, दारू पी रिया और तू भंडेले। तो मुझे अपना दुश्मन दिखाई दे रहा है, परेशान हो गई मैं इस घर में आके। क्या करें यार अपनी बीवी का हम। कोई बात नहीं मालिक, देखो बीवी और दोस्तों को यही रंडी रोना लगा रहता, भोगते ही रहे बहनचोद। पापा आज मम्मी का सुबह ही मूड खराब है, मैं कह रही हूँ कहीं पार्क वार्क घूमने चल रहे हैं, वरना पूरे दिन मम्मी की डांट सुननी पड़ेगी। अरे ना यार, कार वार है ना, और ये बैटरी वाले रिक्शे और ऑटो में बैठना मुझे अच्छा ना लगता। अरे मालिक तो अंशुल भाई की कार खड़ी है, उनकी मांग लो उधार, कह दो मौत में जा रहा है। सही कह रही, चलो मैं कम चली आऊँ अपना, चलो तुम। मालिक लाओ वो दे दो, 60 रुपये 20 का टिकट, मैं लेके आऊँ टिकट, तुम रुके रहो। कितने का भाई सब टिकट? 20 रुपये का है, गोद का बच्चा फ्री है। एक दे दो भाई। ले लिए मालिक टिकट, आओ। लेकिन क्या कर रहा है? गोद के बच्चे का टिकट फ्री का आता है, इन सांडों का नहीं, इनका टिकट लगेगा। टिकट टिकट ना लिया तूने? मालिक ये कह रहे थे ना गोद के बच्चे का टिकट फ्री है, तो मैं सोचा तुम्हें गोद में ले लूंगा, 40 रुपये बची जाएंगे। हाँ मालिक। जेब पे खाली कदम कदम पे पंगा, हर सिक्के पे टीकुल कर देंगे, नहीं है कोई चॉइस, सजा देंगे ये तुमको ना, वो देखो आए बुकरे बॉयज, पगला देंगे तुमको आज, वो देखो आए बुकरे बॉयज, बुकरे 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 बॉयज, बुकरे 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 बॉयज। लल्ला मजा आ गया, चलो अब घर चले। सपनों की सुपर पावर से स्कूल में स्वैग दिखाना। क्या हुआ मालिक? पता ना क्या हुआ। अरे यार मालिक क्लिच तो दबा लो पूरा, जब करो स्टार्ट। ब्रेक दबाओ, ब्रेक भी साथ में यार। यार मालिक बावली गवाड़ी हो क्या? ब्रेक ही ना दब रही तुमसे सही करके। भाई भौसड़ी के बोला चला जा रिया, इसमें क्लिच और ब्रेक की दिक्कत ना है, कोई अंदरूनी कमी है वो ठीक करनी पड़ेगी। ओ तो वो करता हूँ मैं, तुम इसका वो खोलो ढकना। ढकना बोनट? हाँ वही खोलो बोनट, मैं करूँ सही। ठीक कर देगा तू? 3 महीने मिस्त्री गिरी करी है, खोलो। लो बैटरी के तार उल्टे लगे पड़े हैं यार। मालिक जलन हो रही है चेहरे पे। अरे मालिक तुम्हारा चेहरा काला हुआ पड़ा। साले भाड़ू हर काम में आगे बढ़ता, मांग के गाड़ी लाए थे पूरी खराब कर दी तूने। पापा मेरे मुंह पे बहुत तेज जलन हो रही है, जल्दी से घर को चलो, मिस्त्री को फोन करके गाड़ी खिंचवा लेंगे। तार उल्टे थे वो कैसे गए ससुराल? रामू बेटे तुम बहुत नुकसान करने लगे हो आजकल। अरे मालिक वो बेदियानी में हो गया, छोड़ो। चल अच्छा एक बात बता, हमने तुझे कई महीनों से तनख्वाह नहीं दी है, फिर भी तू हमारे यहाँ इतनी वफादारी से काम कर रही है। मालिक पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इंसान को जब प्यार मिलता है ना तो उसके आगे पैसे की वो कोई अहमियत नहीं समझता, यहाँ फैमिली जैसा प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है। वाह बड़ी बढ़िया सोच है तेरी तो। अच्छा सेटिंग के क्या हाल चाल है? सेटिंग दूर से देखा मालिक तो लगा कि वो मेरी बंदी है, 2-4 दिन बाद पता चला कि साली रंडी है, कई लोंडों के साथ तो मैंने ही देख लिया उसे। खैर छोड़ो,
तुम जो है ना अपने घर में एक बाबा को बुलवाओ, मैं जानता हूँ बाबा को, वो सारे संकट दूर कर देंगे। तुम परेशानी में चल रहे हो इन दिनों यार। अरे नाना यार, मैं इन चक्करों में ना पड़ता हूँ। मालिक आए दिन नुकसान हो रहे हैं यार, कल भी गाड़ी में नुकसान हो गया, बाबा को मैं बुला के लाऊंगा, बाबा इतने बढ़िया पैसे तक न लेंगे। पैसे न लेंगे तो बुला ला फ्री में, क्या बुरा। हाँ यार, please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. आइए बाबा जी आइए। बहुत संकट में चल रहा है, कल कार की बैटरी भी खराब हो गई थी। हाँ सब ठीक हो जाएगा। फूफा जी से हिलगी भी चल रही है। कॉकरोच कॉकरोच, क्यों बे नखंदे, नौकर को अपना बाप बनाकर स्कूल ले गया। 3 महीने की फीस स्कूल में नहीं दी, बाप से ले जाके पूरी फीस खा गया, बैंक के चुदाए। बाबा जी आप महान हो, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। बाबा जी क्या बताऊं मैं, दिन ब दिन इतना नुकसान होता जा रहा है और घर में मन सा भी नहीं लगता मेरा बाबा जी। जानता हूँ, आज तक मैंने जितनी भविष्यवाणी की है एक भी सच, आप बहन का भोसड़ इसकी, एक भी झूठ नहीं हुई है। अंधविश्वास पे विश्वास करता है? नहीं मैं नहीं करता, हाँ करता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ क्या बंद कर ले। चार टुकड़े करके पूरे परिवार को खिला दो, सब कुछ खुशल मंगल होगा। आपने हमारे कष्ट दूर करे, मैं बहुत खुश हूँ, बाबा जी को दक्षिणा दो। अरे नहीं बच्चा नहीं, बाबा को कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, बाबा सारे काम फ्री करता है, बस बाबा के बाबा खुश होने चाहिए। पूछ लेता हूँ जी, बाबा जी आप खुश हैं? अरे अच्छा, ओहो ठीक है, बाबा कह रहे हैं तेरे कष्ट कुछ ज्यादा ही हैं, काटा पीटी में 15,000 रुपए लग रहे हैं। 15,000? कोई बात नहीं बाबा जी, मैं खुश हूँ, मेरे कष्ट दूर कर दिए आपने, चलिए चल बाबा जी को पैसे लगे दे। लो बाबा जी, सब कुशल मंगल हो। अरे पापा, बाबा जी ने ये तो बताया ना कि केला छील के खाना है कि बिना छीले खाना, रुको मैं पूछ के आता हूँ। रामू कुत्ते तू, साले दगाबाज, अपने ही घर में गद्दारी करी तूने। मालिक मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मालिक, मालिक मेरी गलती है, मैं सारे पैसे अभी वापस करता हूँ, मालिक से माफी मांग लूंगा, मालिक मेरी गलती हो गई प्लीज। चल अच्छा सुन, बात यहीं रफे दफे कर, पैसे आधे आधे कर ले। मालिक दोनों पुलों के बीच में गाड़ी फंसी पड़ी है यार। क्या मतलब? देख तो लिया करो। अबे यार ये फिर आ गया। आओ आओ बहनोई साहब, आओ बैठो। जी फूफा जी, कैसा आना हुआ? वेलकम टू द इश्क मोहल्ला। और यहाँ है सब कुछ। कैसी है भाभी जी, अब कुछ अच्छे से लग रहा है अब आप आ गए तो? मालिक मैं कह रही हूँ तुम देखते के देखते रह जाओगे, मालिक इनको पेल देंगे फूफा जी। बहनोई साहब फिर इधर से गुजर के जा रहे थे क्या? नहीं आज मैं कुछ जरूरी काम से आया हूँ। अरे क्या काम है बताओ। मुझे तुमसे 1,00,000 रुपए चाहिए। अरे बहनोई साहब मुझे पहले बता देते तो मैं कुछ इंतजाम कर लेता, अब तो है नहीं मेरे पास। क्यों झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद तिजोरी में थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए देखे और सोना भी तो हैगा, वो दे दो बहनोई साहब को, भेज देंगे। अपने इस घर के दामाद को तुम पैसे देने से मना कर रहे हो, कहाँ से आई ये जाहिल बंदी तुम्हारे अंदर? अब मैं 1,00,000 रुपए नहीं 2,00,000 रुपए लूंगा और तुम दोगे
वरना तुम्हारी बहन को धक्के मार के घर से निकाल दूंगा। अरे मेरी बहन है तो आपकी तो बीवी है, थोड़ा बहुत तो प्यार करते होगे, ऐसे कैसे निकाल दोगे? अरे बीवी रखी है मेरे लोड़े पे, मुझे पैसे से मतलब है, पैसा दो। बहनोई साहब आप तो बहुत ही हरामी निकले, हम तो तुम्हें बहुत शरीफ समझते थे और तुम्हें एक रुपया नहीं दूंगा, अब होंगे भी तो मेरे पास। और रही हमारी बहन की बात, अब तुम चाहे धक्के मार के बाहर निकाल दो, वो सड़क पे रहे, चाहे हमारे घर वापसी आ जा, हम ना देंगे तुम्हें एक रुपया भी। रामू इन्हें घर से बाहर निकाल दो। फूफा जी तुम्हारी मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन आज मैं कह रही हूँ चल निकल यहाँ से कुत्ते। आओ फूफा जी आपको छोड़ के आऊँ, मैं तो इज्जत ही करूँगा इनकी। अभी तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये सुनिए बे। अबे तू किस वफादारी में रहता है भाई? अबे ना तुझे खाने देते, ना तुझे सही सा पहनने देते, सारा दिन तुझसे सुअरों की तरह काम करवा मैं, काय की वफादारी दिखा रही है तू? साले अगर इतनी वफादारी दिखा कर ना नौकर का नौकर ही रह जाएगा, कभी मालदार नहीं बन पाएगा। फटीचर जब जब मैं इस घर में आया हूँ तुझे इन्हीं कपड़ों में देखा है मैंने, कुछ अपने बारे में भी सोच लो। मेरे पास एक आइडिया है, भाभी बता रही अभी उनकी तिजोरी में बहुत सोना और पैसे हैं, दोनों मिलकर चुरा लें, 1 लाख की मुझे जरूरत है, बाकी तू रख लिए, घूमिए ये साले गोवा दुबई आराम से मजे लिए। वाह फूफा जी वाह, मैं ये तो जानता था कि तुम नंबर एक से जलील आदमी हो, लेकिन मुझे फूफा जी इतना नहीं पता था कि इस हद तक तुम गिर जाओगे, अपनी ससुराल में चोरी करवाओगे। वाह कितने बेहतरीन आदमी निकले फूफा जी तुम तो, कसम से अगर फूफा तलवार होती ना तो तुम्हारी गर्दन काट देता। अरे मैं फटीचर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं खुश हूँ, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं अपनी गरीबी में खुश हूँ, जैसा भी हूँ खुश हूँ। लेकिन फूफा जी मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसे भी निकलोगे, अगर तलवार हाथ में होती ना अभी के अभी गर्दन काट देता। निकल जाओ यहाँ से, गलत कर रहा है तू, एक बार और सोच ले। सोच लिया फूफा जी, आउट। माले घर में चोरी हो गई। हाय मैया मेरे सारे जेवर चले गए। हेलो फूफा जी घर में चोरी हो गई, जल्दी आ जाओ। पुलिस को भी फोन लगा। अबो कहाँ हुई है चोरी? देखो इंस्पेक्टर साहब पूरी तिजोरी खाली कर गए, जेवर पेपर सब ले गए मालकिन का। ओ तू कहते चुप खड़ा है बे, तो इसका मतलब तू ही है चोर। देखा कितनी आसानी से पकड़ लिया मैंने चोर को। इंस्पेक्टर साहब पापा है मेरे, ये चोर नहीं है। तो मैं अभी पता लगा लेता हूँ कौन है चोर। इंस्पेक्टर साहब अब तुम नहीं मैं दिखाऊंगा कौन है चोर। ऐ नहीं देखो ये है सीसीटीवी कैमरा जो मैंने पूरे परिवार से छुपा के लगाया था, इसके बारे में किसी को नहीं पता था, ये बताएगा सच। Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go.